देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया। आजादी के बाद देश की बागडोर संभालने वाले नेता और बच्चों में खास से लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेसजनों ने नेहरू पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय ने स्वतंत्रता के बाद देश की आर्थिक, सामाजिक और अन्य तिथियों को सुधारने में पंडित नेहरू के योगदान की जानकारी दी। विजयवर्गीय के मुताबिक देश के फर्श से अर्श तक ले जाने का श्रेय पंडित नेहरू को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी राष्ट्र की बागडोर संभाली थी जिसे अपनी विकास यात्रा की शुरुआत शून्य से करना थी। इसके बाद नेहरू ने तमाम जटिल परिस्थितियों में देश को मुसीबतों से उबारा, कई योजनाएं लागू की और विकास की ऐसी मजबूत नींव स्थापित की जिससे देश का पूरा आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक ढांचा टिका हुआ है। आज यहाँ नेहरू पार्क पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती का आयोजन किया गया। उनकी जयंती पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सम्मान अर्पित किए गए। साथियों, आज देश में जो वर्तमान परिस्थिति है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब प्रथम प्रधानमंत्री बने थे किन परिस्थितियों में देश का कारोबार संभाला था और कांग्रेस ने निरंतर विकास करते हुए कांग्रेस को आज विश्व में विकास के स्थान पर लाकर खड़ा किया है। लेकिन वर्तमान सरकार पिछले 8 वर्षों से देश का जो क्षति पहुंचा रही है उसकी कल्पना भी किसी भी नागरिक ने नहीं की थी। उनके धार्मिक वातावरण उन्माद में आकर देश के लोग भाग गए और उन्होंने सरकार कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया। लेकिन आज हमारे राहुल गांधी जी ने इस देश को एक नई राह देने के लिए, देश को विकास को नई राह देने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाए गए मार्गों पर चलने के लिए पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया और कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा वो पैदल कर रहे हैं। केवल उनका एक ही संदेश है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और उस यात्रा में इस देश के लाखों लोग प्रतिदिन शामिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश में जो उन्माद फैला हुआ है उसको प्रत्येक नागरिक समझ रहा है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। मैं उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के श्री चरणों में सशत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।